नमस्कार, मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की एक रिपोर्ट। साईं बाग को आज हुए 7 दिन, आज भी महिलाओं ने भारी संख्या में बदल सकते हैं हालात का दारा। ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदा का सिला हमने गवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते और मेरी आंखों के सामने ठाठे मारता हुआ मेरी इज्जतनाक माओ और बहनों का एक समंदर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम है आपकी मुस्तकिल मिजाजी को, सलाम है आपकी दीदा दलेरी को, सलाम है आपकी हिम्मत और शुजात को। मुखालिफ पर अगर बोखलाहट तारी हुई है तो वो कुछ ऐसे ही तारी नहीं हुई। आपके अंदर में ये मिजाज की जो तब्दीली देखी गई है, इस तब्दीली ने इनको बोखला करके रख दिया है। कहां एक उम्मत जिसके जोश को सोडा वाटर का जोश समझा जाता था, और कहां आज इस मैदान में पिछले 15 दिनों से बैठी हुई है। उसकी तादाद घटने की बजाय रोज दिन बढ़ती ही जा रही है। उम्मत का वो आधा हिस्सा जिसको मखलूस समझा जाता था, आज उस हिस्से ने यह साबित कर दिया है कि वो मखलूस नहीं, वो अपने भाइयों के साथ इस स्ट्रगल के अंदर में शाना से शाना आगे बढ़ना चाहता। अब जो बातें होने जा रही हैं उनको हमें से सुनिए, शायद के इन बातों पर आपको तालियां पीटने का कोई मौका नहीं मिले, लेकिन इन बातों को समझिए, इन बातों को जानिए। आपका ये जन्नत अपनी चला तो आता है, लेकिन इसको मालूम भी होना चाहिए कि आप वो CAA की, NRC की, NPR की अगर मुखालफत कर रहा है तो किन बुनियादों पर कर रहा है। मैं आपको हल्के फुल्के और शहरी हुकूमत के अंदर में सबसे बड़ा हक अगर किसी शहरी का है तो वो शहरियत का हक है। हमारे यहाँ शराब को जिस तरह से उम्मुल खबायस के तमाम तो बुराइयों की जड़ कहा जाता है, इसी तरह से कानून की जुबान में शहरियत के कानून को तमाम तौर तो शहरी हुकूमत का बाप कहा जाता है। अगर शहरियत का हक आपको हासिल है तो बकिया तमाम तौर तो शहरी हुकूमत आपको आसाम के अंदर हुआ। आसाम के सेनासी में जो लोग जूझ रहे थे और अब तक जूझ रहे हैं, और जो लोग डिटेंशन सेंटर जाकर वापस आए हैं, उन तमाम चीजों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पे काम करने वाले यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जिम्मेदार यही भाई भी बहुत जल्द हमारे यहाँ हाजिर होने वाले हैं, उनको भी हमको सुनना है। इससे पहले कि मैं एडवोकेट फैसल काजी साहब का आवाज दूं, हम जो है शाहीन तेरे नारों से ये नारा जो है हमको लगाना है, तो मैं रिपीट करता हूं आपको, आप बोलिए शाहीन तेरे नारों से। बच्चा जान चुका है, बच्चा जान चुका है, बच्चा बोल रहा है, हिंदुस्तान अब गूंज रहा है, दुनिया अब डर रहा है। वापस होगा, एनआरसी
हिंदुस्तान की शहरियत को दी जाएगी अगर वो ईरान, अगर वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान से यहाँ आकर के बस गए हैं। हमने पूछा जब इन तीन पड़ोसी ममालिक से आए हुए हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को आप शहरियत देना चाहते हैं तो इन तीन ममालिक से आए हुए हमारे मुसलमान भाइयों को आप क्योंकि शहरियत से नवाजेंगे नहीं, आप क्योंकि शहरियत नहीं देंगे। तो कहा यह गया कि हम